हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग 4x4 रूबिक्स क्यूब में क्यूब इना क्यूब पैटर्न बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके एल्गोरिथम को जान लेते हैं। तो जब मैं आर बोलूँगा तो आप लोग राइट वाली लेयर को मूव करिएगा, एल बोलूँगा तो लेफ्ट वाली लेयर को मूव करिएगा, एफ बोलूँगा तो फ्रंट वाली लेयर को मूव करिएगा, बी बोलूँगा तो बैक वाली, यू बोलूँगा तो अपर वाली, डी बोलूँगा तो डाउन वाली। अब चलिए स्मॉल एफ स्मॉल आर देख लेते हैं। जब मैं स्मॉल एफ बोलूंगा तो आप लोग फ्रंट वाली क्लियर के पीछे जो लेयर है जिसको स्मॉल एफ कहते हैं तो इसको मूव करिएगा। जब मैं स्मॉल आर बोलूंगा तो ये राइट वाली लेयर के बगल जो लेयर है इसको मूव करिएगा, ये स्मॉल आर होती है। स्मॉल एल बोलूंगा तो लेफ्ट वाली लेयर के बगल जो लेयर होती है ये वाली मूव करिएगा। स्मॉल बी बोलूंगा तो बैक वाली लेयर के आगे जो एक लेयर होती है इसको स्मॉल बी कहते हैं, जैसे ये देख रहे हैं ये बैक वाली लेयर है। और जब मैं डी बोलूंगा स्मॉल डी बोलूंगा तो डाउन वाली लेयर के ऊपर जो गे वाली लेयर होती है इसको स्मॉल डी कहते हैं, इसको मूव करिएगा। तो चलिए अब क्यूब इना क्यूब पैटर्न बनाते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा वो अप्लाई करिए। यू डैश एल डैश यू डैश एफ डैश आर टू बी डैश आर एफ यू बी टू यू बी डैश एल यू डैश एफ यू आर एफ डैश। तो जब आप लोग का यहाँ तक बन जाए तो अब हर लेयर दो दो बार यूज होगा। जैसे यू डैश बोला था तो अपर वाली लेयर दो बार घूमेगी। तो फिर से एल्गोरिथम वही वाला लगाइए, यू डैश एल डैश यू डैश एफ डैश आर टू बी डैश आर एफ यू बी टू U B dash L U dash F U R F dash। तो ये देखिए आप लोग का क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन गया है। तो अगली वीडियो किस क्यूब पे चाहिए, वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।